बैटाला के धोखेबाज ट्रैवल एजेंट के मायाजाल में 270 नौजवानों के फंसने का मामला सामने आया है। कुवैत भेजने के नाम से बटाला के रहने वाले ट्रैवल एजेंट ने अपने माया जाल में फंसा अलग अलग जिलों के 270 नौजवानों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने के बाद उक्त नौजवान इंसाफ लेने के लिए एसएसपी दफ्तर बटाला पहुंचे। एसएसपी बटाला के दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए ये नौजवान विदेश में जाकर रोजी रोटी कमाने के चक्कर में बटाला के रहने वाले ट्रैवल एजेंट के माया जाल में फंस गए। अलग अलग जिलों से संबंधित 270 के करीब नौजवानों से कुवैत भेजने के नाम से करोड़ों रुपए एंट लिए, लेकिन विदेश भेजने के नाम पर नौजवानों को केवल ठेंगा दिखा दिया गया। पीड़ित नौजवान अब एसएसपी दफ्तर बटाला के सामने इंसाफ की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं और पकड़े गए तीन एजेंटों को लेकर पुलिस पर तीन एजेंटों में दो को छोड़ देने के दोष लगाते भी दिखाई दे रहे हैं। आजाद टीवी न्यूज के लिए बटाला से रजपाल सिंह की रिपोर्ट। अजी मैं 25,000 रुपया भरिया सुरजीत सिंह को, उन्हें 18 तरीक टिकटा दी सू कहता तुम कवैत घल देंगे 270 बंद ग्रुप वाइज घलांगा भी वो बाद जो DSP सिटी की रेट हुई अड्डे टाइम खड़े से बेटा भी फड़िया गया वो भी फड़िया गया जो अज इतने थाने आए वह बेटा छड़ दिता गया वा एक एजेंट होर छड़ दिता गया कला हो रह गया वा साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही इतने जिन्हें मुड़े आए सब खड़े ने कोई सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा सानू साडे पैसे ते साडा पासपोर्ट दिते जाण साडी इहो उम्मीद है। तो मैं इतने बटाले एजेंट सीगा सुरजीत सिंह उन्होंने सानू सारे 270 मुंडे खड़े आ मेरे पिछे भी तुम वेख सकते हैं उन्होंने कहा भी 65,000 रुपया लूँगा तो 28 तरीक टिकटा हो गई कई 18 तरीक दी हैं कई 28 तरीक दी हैं उन्होंने सानू नकली वीजे देते हैं नकली टिकटा बना के देती वा तो कल परसों फड़े आ तीन एजेंट जिहड़ा एक सुरजीत सिंह नाल दा मुंडा ते एक होर हीगा वो फड़े आ ते दो उन्होंने छड़ते आ ते इक सर कला सुरजीत सिंह अंदर आ ते हुण ई पुछणे ते कोई जवाब नहीं मिल रहा। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਿਆ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਵਾ 45,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਕਈਆਂ 60 ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਕੋਲ 90 ਲਿਆ ਵਾ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ SI ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਬ ਏਜੰਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।